करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिलते हैं बैंक मित्र मनोज कुमार जी से, जिनसे हम जानेंगे कि इन्होंने प्रशिक्षण लेने के बाद इस बैंक मित्र के कार्य को आरंभ किया और आज अपनी सेवाएं बैंकों को आम जनता को दे रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि स्वरोजगार अच्छा होता है कि नौकरी अच्छी होती है और इस कार्य से स्वरोजगार से इन्हें क्या लाभ हुआ और ये जनता की सेवाएं किस प्रकार कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे जानकारी लेते हैं। मनोज जी, आपने कब बैंक मित्र का कार्य कब जोड़ा था? सर, मैंने सन 2014 से बैंक मित्र हूँ। उसके बाद मैंने अपना कार्य शुरू किया जिसमें मुझे लोन सेवा करने का मौका मिला और बैंक का कार्य करने का भी मुझे मौका मिला। तो किस बैंक से जुड़े हुए हैं? मैं सर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से। तो इसे आपने काम जोड़ा, तो इसमें प्रशिक्षण का क्या योगदान रहा? प्रशिक्षण का योगदान, एक तो मेरे को वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, वहाँ पे आप लोगों का बड़ा सहयोग मिला है, मेरे को काम करने का तरीका मालूम हुआ। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं पे बीसी का कार्य कर? हाँ सर, मैं क्या क्या सेवाएं देते हैं आप? सर, मैं यहाँ पे खाता खोलता हूँ, 25,000 तक डिपॉजिट करता हूँ, 10,000 का विड्रॉल करता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अच्छा, ये सब सेवाएं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो शुरुआती दौर में आए होंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आई होंगी इस कार्य को करने? सर, हर काम में आती दिक्कत है। तो जैसे बीसी सखी सरकार द्वारा संचालित है, हर गांव पंचायत में एक बीसी सखी रखी जाएगी, क्योंकि मनोज कुमार जी आरसीटी में आते हैं, प्रशिक्षण देते हैं महिलाओं को कि कैसे बीसी सखी का कार्य करना है। तो शुरुआती में दिक्कतें आती हैं बहुत सारी, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सभी काम का शुरू में किसी चीज़ का पता नहीं होता, धीरे धीरे आदमी समझ पाता है कि हमें क्या करना है, भीड़ को कैसे कवर करनी है, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा कैसे फॉलो करना है, सभी काम को करना होता है सर धीरे धीरे। तो शुरुआती दौर में आमदनी कम रही होगी, लेकिन अब अच्छे अब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो नौकरी और स्वरोजगार में क्या अंतर है? देखो, जो अपना हाथ में बंदा अपने हाथ से कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, नौकरी एक अलग है, नौकरी अलग है, दूसरे की नौकरी करनी पड़ती है। तो आज एक जागरूकता कार्यक्रम था इनके गांव में, तो बैंक यहाँ गांव के सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं इनकी सेवाओं से। कम्युनिकेशन स्किल्स जो सीखी थी इन्होंने प्रशिक्षण में कि जनता को कैसे उनकी सेवाओं संतुष्ट करना चाहिए, वो जानकारी इन्होंने दी। और आज आइए अंदर देखते हैं क्या क्या कार्य इन्होंने जोड़ा है। यहाँ पर बैठते हैं ये हमारे रजिस्टर है, हम इसे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आया, उसे हम स्लिप एक कस्टमर को देंगे, एक अपने पास प्रोवाइड करके। अच्छा, जैसे कल कोई दिक्कत आए तो हम उसे अपना दिखा सकते हैं, हमारे पास ये प्रूफ है। ये रजिस्टर मेंटेन, ये रजिस्टर मेंटेन हमारा, ये रजिस्टर मेंटेन करने का क्या उद्देश्य है साहब? ये रजिस्टर मेंटेन उद्देश्य है कि जो हमने पूरे दिन का वर्क किया है उससे अपनी ट्रांजैक्शन को मिलान कर सके और हम अपने पास एक रिकॉर्ड रख सकें। इस बंदे को हमने 10,000 रुपये दिया, 5,000 रुपये दिए, उसे सब मेंटेन करते हैं। अच्छा, मेंटेन करते हैं जी सर। तो इसमें आपको अच्छा स्वरोजगार मिल चुका है, आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहेंगे या यही कार्य क्षेत्र? ठीक है, जब तक चल रहा है सब चल रहा है, अगर वो कहीं वैसे बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं। बीसी सखियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो ये काम में अड़े रहें, लगे रहें? बिल्कुल करना चाहिए काम, काम कोई खराब नहीं होता है। अपना स्वरोजगार आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सभी बीसी सखियों को मेरा संदेश है कि शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं, ये हमारे बैंक, आप तो बे बैंक सखियां हैं, ये बैंक सखा है, बैंक मित्र है ये। और गांव के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर जो बैंक सखियां रखी जा रही हैं, गांव के हर एक अगले निचले स्तर तक अंतिम कोने तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है बीसी सखी का प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और पेटीएम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो बहुत बारीकी से सावधानी से काम करें, आपका कार्य बढ़िया चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने समय दिया, धन्यवाद।